Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will study today gender. Noun का है part होता है. कोई भी noun जो होते हैं, वो सभी चार type के gender में से किसी एक category का होता है. ठीक है? कितने type के gender? चार type के. Gender कितने type के हैं? Four types. कौन-कौन सा? Masculine gender, feminine gender, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. ओके, मस्कुलिन जेंडर में क्या होता है? अ नाउन दैट रिफर्स टू अ मैन और अ मेल एनिमल, इट इज सेड टू बी इन द मस्कुलिन जेंडर. कुछ नाउन होते हैं जो मेल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मस्कुलिन जेंडर. मेल कैटेगरी का मैन होते हैं या कुछ मेल एनिमल होते हैं, उसको हम लोग मस्कुलिन जेंडर कहते हैं. जैसे फादर, ब्रदर, लायन एक्सेट्रा. फेमिनिन जेंडर किसको कहते हैं? ठीक, इसका उल्टा है. अ नाउन दैट रेफर्स टू अ वुमन. यहाँ पे मेल था, यहाँ वुमन को रिप्रेजेंट करेगा या फीमेल एनिमल को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर. वैसा नाउन जो वुमन या फीमेल एनिमल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर. जैसे मदर, सिस्टर, लायनेस एक्सेट्रा. लायन यहाँ पे क्या है? मेल है, लायनेस फीमेल है. ओके, नेक्स्ट इज कॉमन जेंडर. क्या होता है? अ नाउन दैट रेफर्स टू ईदर अ मेल और अ फीमेल. मेल और फीमेल में से कोई भी हो सकता है. कुछ नाउन होते हैं जो दोनों ही हो सकते हैं, जैसे मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. जैसे जैसे टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है. स्टूडेंट, डॉक्टर, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर. ओके, न्यूट्रल जेंडर किसको कहते हैं? अ नाउन दैट रेफर्स टू अ थिंग दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल. जो ना तो मेल हो ना ही फीमेल हो, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल जेंडर. That is non-living. और वो क्या होगा? Non-living thing होगा. क्या होगा? Non-living thing, निर्जीव चीज होगी, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल जेंडर. जैसे बुक, पेन, टेबल, ना ये मेल है ना ही फीमेल है, ये क्या है? Non-living things है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल जेंडर. ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन. Identify the type of gender. क्या है जेंडर? पहचानना है कौन सा टाइप का है. ठीक है, माय डॉटर क्वाइट अ स्कॉलर. अब बताइए यहाँ पे डॉटर क्या है? फेमिनिन जेंडर है. ठीक है, एफ लिख देंगे यहाँ. स्कॉलर, विद्वान. विद्वान तो कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों ही विद्वान हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन, ये कॉमन जेंडर है. ओके, इफ आई वांट टू राइट एन एसी, ऐसे क्या है? ऐसे ये क्या है? न्यूट्रल जेंडर है. क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है. ओके, शी राइट्स फॉर मी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स वुमन. सेल्स वुमन क्या है? वुमन है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? फेमिनिन. टोल्ड द बॉय क्या है? ये मस्कुलिन. दैट द बुक नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है तो क्या हो गया? ये न्यूट्रल. ओके, He wanted was not available. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स. क्या है? दोनों ही हो सकते हैं, मेल और फीमेल. तो ये क्या हो गया? कॉमन जेंडर. इन माई क्लास, क्लास क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. तो ये हो गया न्यूट्रल जेंडर. आर कोऑपरेटिव, द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर कोऑपरेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेफ कुक्ड एन एक्सीलेंट मील. अब यहाँ पे ये शेफ क्या है? शेफ खाना जो बनाता है उसको शेफ कहते हैं. तो ये मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं. तो ये क्या हो गया? कॉमन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ब्लेस्ड द क्वीन. प्राइस किसको कहते हैं? पुजारी, मेल को कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? मस्कुलिन. ठीक है, ब्लेस्ड द क्वीन, क्वीन मींस रानी, तो ये क्या हो गया? फेमिनिन. तो कुछ इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कौन सा टाइप का जेंडर है. ठीक है, तो हम लोग क्या समझे?
जेंडर कितने टाइप है? चार टाइप, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। मस्कुलिन में मेल कैटेगरी के जितने भी होते हैं एनिमल पर्सन उसको हम लोग कहते हैं मस्कुलिन जेंडर। फीमेल कैटेगरी के जितने भी होते हैं वुमेन या फीमेल एनिमल उसको हम लोग कहते हैं फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर में दोनों ही आ जाते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जो हो जाए, दोनों में से कोई भी जो हो सकता है उसको हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर जो दोनों ही ना हो, ना मस्कुलिन हो ना फेमिनिन हो, वो क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स होगा, उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। तो ये था जेंडर के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे ये क्या मस्कुलिन टू फेमिनिन कैसे चेंज करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू।